बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेक्ट यू विल बी ऑल क्वाइट वेल एंड विल बी एंजॉयिंग योर हॉलीडेज। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ अवर लेक्चर नंबर 12 एंड वी आर गोइंग टू रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेसन नंबर 23। ईयर्स बिफोर एडिसन हैड डिसाइडेड अपॉन अ पैटर्न फॉर हिज लाइफ। सालों पहले एडिसन ने अपनी ज़िंदगी का तरीक़ाकार तय कर लिया था। इट वाज टू वर्क 20 आवर्स आउट ऑफ ईच 24। उसको 24 घंटों में से 20 घंटे काम करना था। समटाइम्स ही वुड वर्क फॉर 3 और 4 डेज विदाउट गोइंग टू बेड। बाज़ दफ़ा बाज़ औक़ात उसको सोए बगैर 3 से 4 दिन काम करना पड़ता। फ्रॉम टाइम टू टाइम, गाहे बगाहे, वक्तन बवक्तन ही वुड रेस्ट फॉर 15 मिनट्स। वो 15 मिनट आराम करता। व्हेन ही स्टार्टेड वर्क आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद जब वो अपना काम शुरू करता, ही वुड सीम कम्प्लीटली फ्रेश, तो वो मुकम्मल तौर पर ताज़ा दम दिखाई देता। इन 1878 एडिसन सेट आउट टू इन्वेंट एन इलेक्ट्रिक लैम्प। 1878 में एडिसन बिजली का बल्ब बनाने की इजाद पर लग गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्रोड्यूस लाइट बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू प्लेटिनियम वायर इनसाइड अ ग्लोब ऑफ ग्लास। सबसे पहले उसने शीशे के ग्लोब में प्लेटिनियम के तार के अंदर बिजली का करंट गुजार कर उसमें से रोशनी पैदा की। ही सून फाउंड आउट, जल्दी उसे मालूम हो गया, उसे पता लग गया, दैट द लाइट वॉज बेटर, के रोशनी बेहतर होती, इफ देयर वॉज नो एयर इन द ग्लास ग्लोब, अगर शीशे के ग्लोब के अंदर हवा ना होती। सो ही हैड द एयर सक्ड आउट ऑफ द ग्लोब। चुनाचे उसने ग्लोब को हवा से जज्ब कर दिया एंड देन सील्ड इट अप, और उसे बंद कर दिया। इन द वैक्यूम इन साइड द सील्ड ग्लोब, और बंद ग्लोब के अंदर खला में द प्लेटिनियम वायर ग्लोड ब्राइटली। प्लेटिनियम की तार ज़्यादा बेहतर तौर पर चमकी, बट एडिसन वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन एडिसन इससे मुतमइन नहीं था। प्लेटिनियम इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल, प्लेटिनियम एक बहुत महंगी धात है। नॉट मैनी पीपल वुड बी एबल टू बाय सच एक्सपेंसिव लैम्प। बहुत से लोग ऐसी महंगी तार को खरीदने के काबिल नहीं होंगे, उसे नहीं खरीद सकेंगे। ही बिगेन टू सर्च फॉर समथिंग एल्स, उसने किसी और चीज़ की तलाश शुरू कर दी। इवेंचुअली ही यूज्ड अ कॉटन थ्रेड कवर्ड विद कार्बन, आखिरकार उसने कार्बन से ढके हुआ एक सूती धागे का इस्तेमाल किया। एंड टू एवरी वन अमेजमेंट इट वर्क, और जो काम उसने किया उस पर हर कोई हैरान था। स्टिल एडिसन न्यू दैट हिज सर्च वॉज नॉट ओवर। अभी भी एडिसन को मालूम था कि उसकी जो तलाश है वो ख़त्म नहीं हुई। कॉटन थ्रेड वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू लास्ट फॉर लॉन्ग इन द लैम्प, के जो सूती धागा था वो चिराग को यानी बल्ब को काफ़ी लंबे अरसे तक जलाने के लिए मजबूत नहीं था। ही नोटिस्ड थिन स्ट्रिप्स ऑफ बैम्बू बाउंड टू द एज ऑफ अ लेडीज फैन, उसने औरत के पंखे के किनारे के साथ बंधी हुई बांस की पट्टियाँ को देखा। दैट गेव हिम एन आइडिया, इस बात ने उसे ख्याल एक सोच दी। ही हैड
स्ट्रिप्स ऑफ बेम्बू कवर्ड विद कार्बन। उसके पास कार्बन से ढकी हुई बांस की पट्टियाँ थीं एंड ट्राइड देम आउट और उसने उन पर तजर्बा शुरू कर दिया, उस पर काम शुरू कर दिया। नाउ वी गोइंग टू पुट आवर नेक्स्ट पेज एंड वी विल बी ऑन पेज नंबर 130। एडिसन वेंट ऑन टू मेड 600 टेस्ट बिफोर ही वाज सेटिस्फाइड विद अ स्ट्रिप ऑफ बैम्बू फ्रॉम प्लांट ग्रोन स्पेशली फॉर हिम इन जापान। एडिसन जापान में ख़ास तौर पर उगाए गए एक पौधे बांस की पट्टियों से जाकर मुतमइन हुआ। उसने 6,000 आजमाइशें की, यानी एडिसन ने तकरीबन 6,000 आजमाइशें की। फिर कहीं जाकर उसने जापान में उगाए गए ख़ास पौधे बांस की पट्टियों से जाकर फिर उस वो मुतमइन हुआ। फॉर 10 years बैम्बू वाज यूज्ड फॉर फिलामेंट। 10 साल तक बांस बारीक धागे सूत के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। एन इलेक्ट्रिक लैम्प एक बिजली के बल्ब में, यानी बिजली के बल्ब में एक सूती धागा, बारीक धागा सॉरी फॉर 10 years बैम्बू वाज यूज्ड फॉर द फ्लेमेंट इन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। यानी कि 10 सालों तक जो बांस था वो इलेक्ट्रिक लैम्प में, यानी बिजली के बल्ब में एक सूती धागे के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। टुडे वी यूज़ अ वायर कॉल्ड टंगस्टन, और आज हम एक तार जिसे टंगस्टन कहते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज वी हैव फिनिश्ड आवर लेसन नंबर 23। Inshallah, I will fill up your exercise book of this lesson. Inshallah, I will give you classwork on your WhatsApp number. If you have any sort of problem regarding this lesson, you will contact me. Wassalam.